स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आपने जो थंबनेल देखा है कि आप मत भरो लोन, नहीं होगा आपका सिबिल खराब, दोस्तों बिल्कुल सही आपने सुना है। आपने अगर क्रेडिट कार्ड लिया है या आपने पर्सनल लोन लिया है, उन दोनों में आपके साथ फ्रॉड हो गया है, किसी ने आपके पैसे निकाल लिए हैं और आप परेशान हो रहे हैं कि मैं उनका बिल कैसे पे करूं, EMI कैसे पे करूं, तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बातें जो निकल के आई है RBI के मार्फत वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2023 की सबसे लेटेस्ट न्यूज है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि हमारी ऐसी वीडियो अपडेट आती रही आपके पास। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, और आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन जो आज देने जा रहा हूं कि दोस्तों अगर आपके क्रेडिट के साथ कोई करते फ्रॉड, कोई आपसे OTP लेके आपके अकाउंट से पैसे निकाल दे, कोई पर्सनल लोन आपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया और आपके अकाउंट में जाने से पहले किसी और ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, तो उसका EMI आपको नहीं भरना है, उस क्रेडिट कार्ड का बिल आपको नहीं भरना है, बस कुछ बातों को आपको करना है फॉलो। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात आपको फॉलो करनी है वो फॉलो ये करनी है कि जैसे आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम वाली बात होती है, कोई भी फ्रॉड होता है, 24 घंटे के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आप लोगों के लिए नियम बना रखा है, 24 घंटे के अंदर आपने बैंक को इत्तला कर दिया, साइबर सेल में कॉल कर दिया, आपने क्रेडिट कार्ड को आपने ब्लॉक करा दिया, आपने अपने अकाउंट को स्टॉप करा दिया और आपने फटाफट अपने पिन को चेंज कर लिया 24 घंटे के अंदर, तो वो देनदारी आपकी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। चाहे बैंक आपको कितना भी बाद में परेशान कर दे, आपको यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी कि बैंक से आपको अगर परेशानी है, क्रेडिट कार्ड का बिल आपका गलत बन गया है, तो कितने दिन में आपकी चीज़ों को बैंक सॉल्व करे, तो 60 दिनों में उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार उनको आपकी प्रॉब्लम को 60 दिन के अंदर सॉल्व करना है। और अगर आपके मनमाफी का अगर वो 60 दिन के अंदर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो जुर्माना देंगे आपको, बिल्कुल दोस्तों जुर्माना देंगे। तो आपका अगर क्रेडिट कार्ड से पैसा निकल गया, आपके लोन का EMI आपने नहीं, आपके अकाउंट में लोन आया और किसी ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया या किसी ने आपके साथ फिशिंग कर लिया और आपने 24 घंटे के अंदर उनको इत्तला कर दिया, तो दोस्तों वो देनदारी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर 24 आपने अगर 24 घंटे के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आईडिया अनुसार बैंक को इत्तला कर दिया, साइबर सेल में आपने कॉल करके सारी चीजें कर ली, तो जब नेक्स्ट टाइम आपका बिल बनेगा या बैंक आपसे EMI के लिए मांगेगी टाइम पे पैसे, तो आप वहां पे अपने एविडेंस को दिखा सकते हैं और 60 दिन में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। इस बिटवीन अगर क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है या EMI आपकी आती है, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। रिकवरी वाले फिर अगर आपको परेशान करने लग जाते हैं तो आप उनको अपनी सारी बात बता सकते हैं। और दोस्तों 60 दिन के अंदर बैंक ने आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट नहीं किया, तो दोस्तों उसके लिए उसके बाद आपके लिए बैंकिंग अम्बड्समैन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकिंग लोकपाल जिसको बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है, और वहां पे भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने आप लोगों के लिए बना रखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए कि कैसे बैंक की शिकायत कैसे की जाती है, ठीक है ना। बैंक की शिकायत करने का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मैंने बता रखा है, देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और दोस्तों अगर आपकी प्रॉब्लम यहां भी सॉर्ट नहीं होती है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार है भारतीय कानून के अंतर्गत। तो दोस्तों जब अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जीत जाते हैं, वैसे तो आपका केस पहले शॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि उतनी दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो अगर आपका EMI नहीं गया, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं गया, तो यहां पे अगर आपकी जीत होती है, डिग्री मिलती है, तो आपका सिविल भी ठीक रहेगा और आपको कंपनसेशन भी मिलेगा और जो फ्रॉड हुआ था वो बैंक की जिम्मेवारी बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये आप कर सकते हैं कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपके अकाउंट से कोई पैसे निकाल लेता है, क्रेडिट कार्ड के साथ फिशिंग कर लेता है, तो ये अधिकार आपके लिए है, बिल्कुल आपको डरने घबराने
करवाने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपका बिल माफ हो जाएगा, सिविल भी ठीक रहेगा अगर आपके साथ ऐसा होता है। आशा करता हूं जो बात मैंने आपको बताई, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, क्रेडिट कार्ड से कोई पैसा निकाल लेता, तो आप इस नियम कानून के अंतर्गत काम करेंगे तो सिविल भी ठीक रहेगा और पैसे भी बैंक के वापिस आ जाएंगे, क्योंकि वो बैंक की ही जिम्मेवारी रहेगी। चैनल पर नए थे तो कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो कमेंट्स लिखिए। दोस्तों हम लोग सेटलमेंट की सर्विस, क्रेडिट कार्ड की सर्विस और आपको लोन लेने से रिलेटिव कोई भी जानकारी लेनी हो सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर सवाल है कॉन्फिडेंशियल तो व्हाट्सएप में आइए, मैं मेरी टीम आपकी हेल्प करेंगे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलग अलग सोशल मीडिया पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। राकेश शेट का ख्याल, क्योंकि ठंड है और जान है तो जहान है। गुड नाइट।